मैं तो मुट्ठो की आटे की बोरी बेचने जा रही हूँ, कोई लेगा क्या? आटे की बोरी 100 रुपए किलो है, पूछो कितने रुपए किलो है? 500 रुपए किलो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मेरे साथ है, ये देखो कौन कौन है, बुआ और मम्मी और वंश प्राची। आज बुआ नहीं है तो घर इतना सुनसान सा लग रहा है। नहीं, बुआ थी ना कल, हमने इतना इंजॉय करा, मतलब नाश्ता भी हमने ऐसे करा जैसे कोई फंक्शन में होता है ना, हंसी मजाक करके, बहुत मजा आया था। हाँ, और बुआ तो सुबह सुबह ही लेके बैठ गई थी वो गेहूं, और सुबह कल गेहूं बिने और पिसके भी आ गया आटा। और अम्मा का नाश्ता हो गया तो अम्मा अपनी दवाई खा दी है, और वंश प्राची की भी छुट्टी है आज, तो स्कूल खुल गए ना। जाना था पर मैं कल से जाऊंगी, अभी थोड़ा बैग वैग पैक नहीं ना, आज करूंगी। तो गाइस हमने नाश्ता तो कर लिया है, और ये देखो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। नाक बंद हो रही है जुकाम से। मुझे तो खांसी हो रही है। मेरे को ना सुबह भी मैंने 5 बजे विक्स लगाई थी, नाक से सांस नहीं आ रहा था। तो गाइस मैं तो रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और प्राची नहीं नहाई है आज। नहीं नहाता, बाल भी धोने। और गाइस पता नहीं क्या हो गया, हमारी ना लाइट चली गई है, देखो पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो गया है। हमारे ना ये देखो, ये देखो हमारी ना MC गिर गई है, ये MC गिर गई है। और ये देखो इसमें तो बत्ती आ रही है, हीटर में तो बत्ती आ रही है, लेकिन घर में बत्ती नहीं आ रही। देखो ये प्लग ऑन है, प्लग ऑन करा मैंने, बत्ती जली नहीं रही है, बत्ती चली गई है। हीटर चलाने से फूक गया है ये? नहीं, अब पापा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं पापा MC गिरी है या नहीं। पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अभी पापा ने फोन करा है बिजली वाले को, वो अंकल आएंगे जब देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आई है। मैं तो नहा के आ गई हूँ, तुलसा जी में पानी डालना है। हेलो, लाओ बुआ तुलसा जी में पानी डाल दूँ मैं, लोटा का है। नहा ले टोपा। गाइस सर्दी आ जाए तो वंश दो दो दिन नहीं नहाता है, नहाता हूँ रोज। टोपा भी आँख पे लगा लिया है। गाइस मैं तो अभी नहा के आई हूँ ना, बहुत ठंड लग रही है बाहर, तो मौसम भी ऐसा हो रहा है आज जैसे बारिश आएगी, और मैं तो घर में ही बैठूंगी भाई, अंधेरे में ही पलंग पे। पलंग पे पैसे पाए, अरे पैसे मेरे को पाए अब। अरे नहीं, इसको मैं मट्टो, चल सुन शाम को ना वो खाएंगे मोमोज। गाइस इतनी देर हो गई है, बत्ती वाले अंकल आए नहीं है, और ठंड भी लग रही है। और भैया ने ना ऑर्डर करा था, ये ऑर्डर करा था भैया ने, तो आज आया, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं भैया ने क्या मंगाया है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या है। अरे ये तो कर्टेन है, ये कर्टेन मंगाई है भैया ने। चलो इसको लगा के देखते हैं। गाइस कर्टेन लगा रहे हैं हम तीनों मिलके, और दिमाग लड़ा रहे हैं कैसे लगेगी, ये दिमाग लड़ा रहे हैं हम। हाँ बांधना है, ये है, ये कील है इसकी। गाइस यहाँ की तो लग गई है, कील में मैंने रस्सी बांध दी, अब यहाँ की बांध दी मैंने ना इस वाली में गलत डाल दिया, ये वाली रस्सी मुझे यहीं बांधनी थी जहाँ पे वंश बंधवा रहा था। गाइस ये हमसे लगी ही नहीं पिन्नी, तो मैंने हटाई दी। शाम को भैया आएंगे ना तो भैया बताएंगे कैसे लगानी है, और बड़ी भी तो बहुत है ना ये, तो पहले भैया आ जाए, उसके बाद भैया से पूछ के इसको बराबर काट दूंगी, जितने में आएगा ना उतना काट दूंगी, फिर लगाएंगे शाम को। सो गाइस फाइनली बत्ती आ गई है, और इसमें दिक्कत आई थी अंदर से ना तार, इसका ना ये वाला तार जल गया था अंदर से, तो वो ठीक करके गए अंकल, टेप लगा दी, और बत्ती आ गई है। सब्जी आज क्या बनेगा मम्मी? गाजर मटर आलू, हमारे घर में यार दो दिन बाद ही बनती है ये सब्जी, पापा को बहुत पसंद है। गाइस मम्मी और वंश और पुनीत लकड़ी काटने आए हैं, ये कितने एक हफ्ता हो गया इसको, शायद एक दो हफ्ते हो गए ये कोई काट ही नहीं रहा है, तो आज हम लकड़ी काटने आए हैं। मैं थोड़ी में काटूं, आधी अलग होती है और छह। अरे कुछ डालते ना, सिर्फ पानी डालते ना, पानी डालने से गीली नहीं हो जाएगी। गाइस अब मैं ट्राई करती हूँ, वंश से तो कुछ हुआ नहीं, मैं ही काटूंगी इसको, देखना। लेकिन इसमें आ रही में वो नहीं है यार,
ना ब्लेड बढ़ गया था ना, ब्लेड टूट जाएगा ना। मैंने तो फुल एनर्जी दिखाई लेकिन मेरे से कटी नहीं, बहुत मोटी है ये, ऐसे कटने वाली है नहीं। गाइस ये अंकल आया हमारी हेल्प करवाने के लिए। और नहीं है अभी मैं 6 बजे को लेकर आता हूँ, अभी थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ फिर मैं। ठीक है ठीक है, मट्टो भी काट रही है। गाइस सबने ट्राई कर लिया, पापा ट्राई कर रहे हैं, बहुत मोटी लकड़ी है, ये सुआ निकल नहीं रहा इसमें से। ये देखो ये आर पार हो गया है, ये निकल नहीं रहा अब इसमें से, सब लगे हुए हैं एक लकड़ी में। गाइस सबने हार मान ली, अब कोई नहीं तोड़ रहा, चले वापस घर। चलो भाई गाइस सब आ गए, किसी से नहीं टूटी। और गाइस हम तो घर आ गए हैं, हमसे वो कटी नहीं लकड़ी, बहुत मोटी लकड़ी है, ऐसे कटने वाली नहीं है। और मम्मी बुआ शाम के काम में लग गई है, आज पापा का व्रत है, आज पापा का व्रत है तो मम्मी खाना बनाएंगी अब। और मम्मी तो लकड़ी के पीछे ही पड़ गई है, मम्मी धान तो नहीं टूट रहे वाली, आधी रह गई, आधी आधी करके सारी काट लेंगे। हम्म, आधी 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 तो काट ली, दिखा ना वो कितना बड़ा मैंने काटा था। बच्चों बोलो टम 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 टम, टमाटर खाए हम, टमाटर खाए हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। गाइस आज सुबह से ना मैंने बाल नहीं काटे तो मम्मी मेरी चोटी गूंथ रही है अब। और वंश कह रहे कि ना पहलो दुग्गो खेलते हैं, मैंने कहा पहलो दुग्गो तो लड़कियां खेलती है, अब जिद पे अड़ गया पहलो दुग्गो ही खेलना है। मम्मी थोड़ी ढीली करो, बहुत टाइट हो गई, चोटी हो गई मेरी, हो गई। बना बना गाइस, मम्मी नया गेम बता रही है, मेरा पुराना गेम है, आ जा। चलो बताओ रखेंगे। अरे ये क्या है जो वो खेलने जैसे कौन लड़ी से खेलते हैं, ये बनाने हैं ना, ये बनाने हैं ना, खुशी को पता है इसका नाम। अष्टचगन खेल रही हो क्या मम्मी? है मम्मी अष्टचगन? ये लो बन गया मेरा, इसका नाम अष्टचगू होता है। अरे दोबारा रखो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी, मेरा खेल सीधे सीधे नंबर ऐसे ऐसे बनाने। और पहले मुझे एक करके रखते हैं, एक करके। गाइस मम्मी बता नहीं कौन सा गेम बता रही है, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल बाहर है दिमाग से। गाइस कोई सा भी गेम नहीं खेल रहा है, मैं तो मुट्टो की आटे की बोरी बेचने जा रही हूँ, कोई लेगा क्या? आटे की बोरी ले लो, हमें चाहिए आटा चाहिए, क्या आटा चाहिए, ये रख दो। कितने रुपए किलो है पुक्सो? 500 रुपए किलो। आंटी आटा चाहिए क्या? आटा लेना है, ठीक है बुक कर दिया, हम आधा दे जाएंगे। बहन जी आटा चाहिए, पर इस आटे से मैं बात ही नहीं कर रही। क्यों? मैंने इसको आटा ले लो, मुझे 1 किलो आटा ले लो। ओ भाई ओ गला घुटा मेरा, अरे मरी 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 मरी, छोड़ गाइस, ये तो मेरे को मार ही देती। इन्हें एक दो बीच टाइट पकड़ने में तो गला ही घुट जाता भाई, क्योंकि आज पापा का बर्थडे है तो आज खाना जल्दी बन रहा है, वो भी गाजर मटर आलू, कितनी अच्छी लग रही है देखने में मम्मी। इसमें लहसुन प्याज थोड़ी डलेगा है ना, जीरे की, खाली जीरे की बनेगी। बोल मोदी की टोपी है, मोदी का टोपा कौन करेगा? मट्टा टोपा। तो मैं गेंद दे रही हूँ, ठीक है देखो तुमको दोना कप गिलास पानी पीना, ठीक है? क्या करना है मैम? दो गिलास पानी मैम, दो गिलास मैम, क्या करना है? इन दोनों को तीन गिलास पानी पीना। ओके मैम, ओके ओके, तीन गिलास, तीन गिलास, ठीक है ठीक है। और तीन बताओ इनको क्या खानी है? तीन तो रोटी खानी है इनको। नहीं सिर्फ तीन मैम, सिर्फ तीन ग्लास पानी पिला दो। नहीं चलो कुछ और पिलाते हैं। कुछ और क्या? देखो एक चैलेंज गाइस, एक चैलेंज जो सुन लो मट्टो का, एक चैलेंज, एक ग्लास कप 1
वन पीलिया, दो पीलिया। मैम आप इन्हें क्या अवार्ड देना चाहोगी? पहले इनको असली में पानी पीना चाहिए है? जब कोई नहीं, आप इन्हें एक एक चांटा लगा दो, क्या पता ये पानी पी ले। चलो गाइस आग जलाते हैं, अंधेरा भी हो गया है और पापा और भैया भी आने वाले हैं ऑफिस से, तो आग जलाते हैं, ठंड हो रही है। गाइज बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है 3-4 दिन से, क्योंकि और बाहर रहना ना ज्यादा वो नहीं है, बाहर नहीं रह सकते हम। तो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।